और आसपास कोई सी जगह है, और ये देखो यहीं क्यों गए, नहीं नहीं पता कहाँ जाना है, अलवर ही चले। हाँ। फिर तुम्हारे स्कूटी लेने दोबारा आएंगे। हाँ। अलवर में कहाँ चले? अलवर में जाती टाइम चले चले। हाँ। अलवर में जाकर। हाँ, आपको तो जाती टाइम भी जाना है, आती टाइम भी आना है। और इसको तो बहाना चाहिए घर बुलाने का, फिर लोग कहेंगे, फिर लोग क्या कहेंगे, भैया शादी कब हो रही है? शादी होगी 5 साल बाद आएंगी। शादी में क्या देगी तू दहेज में? मेरी 2 साल बाद। सॉरी, दहेज मेरी, ये मेरी शादी में स्कूटी गिफ्ट देगा। मैं तेरी शादी कन्यादान में। सो गाइस, अभी मैं इनको लेके जा रहा हूँ अपने गांव में घुमाने, क्योंकि बाहर जाने का टाइम नहीं है, 12 बज चुके हैं और इन लोगों को फिर निकलना है तो लेट हो जाएगा। वापस आने जाने में कितना टाइम लगता है पता ही है, फिर घूमने में भी। और सब डिसाइडेड नहीं है क्योंकि जितनी भी लोकेशन है बहुत दूर दूर है। देखो पीछे कपड़े डाल दिए हमें प्रेस के लिए लेके जाने, और ये लड़की तो, ये तो इसके अंदर दिमाग है ही नहीं, इसकी बात कर रहा था, आकाश की कह रहा था। कल चलेंगे अब। आकाश तेरी दोस्त भैंस। अरे तो देखो भाई, इस ये टाइम होता है दिन में भैंस चराने का, और अभी आकाश की भैंस है पानी पिलाने में। ये क्या लगा लिया तूने? ये पर्दा है, यहाँ से देख सकते हो बीच में। क्या धूप लग रही है तुझे? धूप आ रही है यार पूरी ऊपर। काला आदमी और क्या काला होगा। फिर भी ध्यान तो रखना पड़ता है, लड़ाई से लग गई थी। आकाश काले जा रहा है जिन्हें घुमाने, ये नींबू तोड़ने के नतीजे हैं। तेरे शेर से रात में आया था शेर? अरे कुत्ता होगा मरा हुआ। नहीं, रात में शेर है। अरे मरे हुए कुत्ते से लड़ रहा था ये। यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए आ रखे, तू नहीं आती? अच्छा, देखा जानते भैया। ये आ चुके ठेके से मैकडोवल नंबर 1 चॉइस। वही क्यों छड़ाता जो तुझे पसंद होती है? ये तो बता दे। नहीं, यही सही मिलती है। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं थोड़ी चढ़ा रहा हूँ, मेरी थोड़ी है। और ये चढ़ेगी भगवान जी के? ये तो इन लड़कियों ने बोल रखी थी, ये लेके आई है। 71 महादेव जी का मंदिर, और ये हमारे गांव का काफी प्राचीन मंदिर है। वैसे मैं एक ही बार आया हूँ। ओ आकाश, हेडपंप चलाइए अगर पानी आ रहा है। हेडपंप भी और हाथ धो लो वहां जाने से पहले। हाँ, ये देखो एक सच्चा भक्त। चलिए थोड़ा सा, खरीद के आया ना ये, तुम्हें नहीं धोने चला? मैं खुद चला के धो लूंगा। हट, अरे चली जा। बोला था मैंने नीचे ले जाओ। इतने से आते तेरे पूछ लू, चलो इसकी से पूछ ले। इसकी से पूछ ले, सफेद है इसकी, खराब हो जाएगी एक बार भाई। गाय गाय गाय। वैसे इस मंदिर की पता खासियत क्या है कि तुम यहाँ पे ना काउंट नहीं कर पाओगे इसके अंदर कितने पत्थर हैं। अगर तुमने वो काउंट कर, मेरी मैच ठीक है, मतलब दो बार सेम नहीं आ सकते तुम्हारे। चलो नीचे। हाँ, जूते इधर ही खोलने पड़ेंगे, चप्पल जूते। चलो दोस्तों, खासियत तो क्या है, जो है चमत्कार है, चमत्कार जैसे आकार चमत्कार। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर कुछ है। जरा मैं देखूंगी ना, पूरा खाली मंदिर है इसके अंदर। यही तो ट्रिक थी हमारी। तो देखो ये है मंदिर, और वो ऐसे नहीं करते मजाक। गाइस, ये जो शिवलिंग है ना, इनको अगर आप फर्स्ट टाइम काउंट करोगे तो डिफरेंट आएंगे, सेकंड टाइम काउंट करोगे तो डिफरेंट आएंगे, एक बार में कभी पूरे नहीं आ सकते। चल आप गिन के दिखा दे। जो ये दो मंद बुद्धि हैं जिनके दिमाग में थोड़ी सी दिक्कत है, ये घंटी को 4 बार बजाते हैं। मैंने वही जोड़ लिए थे नीचे आने से पहले। काउंट कर, बोल के काउंट कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
29 इसको भी तो 30 इसको भी 30 31 32 ओ ये गिन लिए पहले। अरे हाँ पागल गंवार है तो ये यार एक तो यार को लिया था ना पढ़े लिखे हैं नहीं है बोल के 13 14 15 16 17 18 ऐसे नहीं गिनने भगवान ने पहले पढ़े लिख लो ये गंवार है एक वो भूल गया पहले अब ये भूल गई गिनने में चक्कर नहीं भाई इसने फर्स्ट टाइम गिने थे 118 सेकंड टाइम में 121 अब बता। अरे नहीं गिन सकते तू और ये आने से लोग पहले पता क्या कर रहे थे ऐसा कुछ नहीं होता हमसे गिन के दिखा देंगे भाई नहीं गिना जाता कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारी मैथ्स कमजोर है और ये इतना पुराना और प्राचीन मंदिर है ना आप देखो हालत देख के समझ सकते हो कि बहुत ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ होगा तभी तो आई चतर यहाँ गिनने कह रही मैं गिन के दिखा दूंगा ऐसी सीढ़ियां मेरी नानी के घर में बहुत है जा खाली ऊपर ठीक है देख के आ जा तू तो इनका एक टास्क तो कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि हमारे गांव में बहुत ऐसी सारी ऐसी चीज़ें हैं और अभी तो इनको मैं कुछ मंदिर ऐसे वहां तो लेके ही नहीं गया वहां पे भी कुछ यूनिक यूनिक चीज़ें मिलती हैं बट ये जाना नहीं चाहते इनको आजकल के बच्चों को ना मंदिरों में जाने में इतना इंटरेस्ट है नहीं झूठ बोल रही है सबसे बड़ा टास्क है मेरे लिए जूते पहनना जूते तो बड़े बढ़िया हैं तेरे ज़ारा ड्यूड चरण पादुका हैं चल खड़ा हो जा फिर तेरे को एक चीज़ दिखाऊंगा जल्दी खड़ा हो कैसे हो मेरे चाहने वालों क्या वो करते हैं जा रहे हैं इनको लेके दूसरे मंदिर मैं घुमा घुमा के हम इन्हें इतना धार्मिक कर देंगे ना कि इन्हें समझ नहीं आएगा कि इसके बाद भी कोई जीवन होता है दोनों में से कोई बाबा वाबा बन सकता है इसका तो कंफर्म है उसके ऊपर फिर भी थोड़ा सा डाउट है वो प्रवचन देगी सुधर जाएगा हमारे साथ रह के हम इसलिए अरे मैं तो सुधरा सुधरा हूँ देख गाय माता का आशीर्वाद लिया जा जा हाँ इसका भी ले ले ऐसे नहीं लेते गाय माता का आशीर्वाद मैं बताती हूँ क्या करें लो मैं बताती गाय माता का आशीर्वाद कैसे अच्छा डर क्यों रही है तो डर क्यों रही यार बड़े लोग हैं इस वाली के मैं चुके दिखाता हूँ इस वाली का छू तुम दोनों लेना एक बार चलो पहले का चेक तो कर ले गाय हो इसका सींग तो बहुत इस वाली का लेके दिखाओ अगर तुम्हारे अंदर दम है तो आ जाओ परेशान नहीं करते गाय को पाप लगता है इनको अभी मैं मंदिर लेके गया हूँ इतनी समझ नहीं है कि गाय को परेशान नहीं करते तुझे जो भी काम वाम नहीं है गाय ये बता मेरी प्यारी बहन मुझे ना वो फन चाहिए वो पुराने वाला जो तू पहले सिनेमा करवा रहा था आ जा तुझे बाहर हवा खिलाता हूँ ले चलता हूँ बढ़िया एकदम भाई मुझे बैठा लेगा पागल है क्या कैसा लग रहा है फिर क्या कैसा लग रहा है धीरे कर तो ओए तो स्टाइल है मी कहीं भी नहीं घूमे तो ये कह रहे नींद आ रही है एक बार लहंगा पहना दो इसे पहना दो ये एक और पहन ले एक बार कैसी मां खुद के लड़के को लड़की बना रही है
एक बार दिखा तो दे कैसा लगेगा पहन के। लहंगा कौन पहनता है? एक बार नीचे तक पहन के दिखा दे, नीचे तक पहन के दिखा देगा। पक्का पहनो, प्रॉमिस है शाम को।